माताएं शक्तिशाली हुई। माता जानकी जी ने एक दिन का रख दिया। तृणधरी ओठ कहत वैदेही, सुमर अवध पति परम स्नेही। रावण तू कहता है कि वो आने वाले नहीं, रावण तू अकेले में हरण करके आया है, तुझे खबर नहीं है हमारे प्रभु श्री राम के, हमारे प्राणनाथ राम के बाण, हमारे प्रभु राम का बाण, ये जो सत सुने हरियाण है मोही, अधम निलज लाज नहीं तो हमको अकेले में हरण करके ले आया है, तो तू कुछ भी कहे, निधम है, निलज है, अधम है। और देखो जिस रावण के सामने तीनों लोकों के लोग कांपते थे, हमारी भारत की माता जानकी ने उसी की बाग में रह करके, उसी की जगह पर बैठ, रावण को बड़ा बुरा लगा। रावण तो चला गया, राक्षसनियों से कहा कि जानकी जी को डरवाओ। माता जानकी जी प्रभु श्री राम की याद में बैठी। कंब रामायण के लेखक कंबन कवि चक्रवर्ती जी लिखते हैं कंबन रामायण में कि मां की हंसी ठिठोली, वो मधुर मुस्कान, वह राम जी के प्रभाव को याद करती हैं अशोक बाटका में बैठी। देखो ये कितना अच्छा संकेत है, बाटका रावण की, रावण भोगी है लेकिन भोगी की बाटका में भी माता जानकी परम योगी प्रभु श्री राम को याद करती हैं। याद क्या कर रही? आहा, प्रभु श्री राम ने एक नजर से धनुष तोड़ डाला, ऐसा प्रभाव हमारे नाथ का। माता जानकी याद कर रही कि जब हमारे पिताजी ने उनके हाथ पर हाथ रखा था, कन्यादान दिया था, ये सब याद करते करते माता जानकी के नैनों से जल छलकने लगी। त्रिजटा आदि राक्षसनिया सभी राक्षसनियों को कहा कि भाग जाओ, मत सताओ, हमने एक सपना देखा। बोले सपना क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, एक बंदर आया है, उसने लंका को जला दिया, रावण को सिर मुड़वा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे। माता जानकी के रोने को देखकर हनुमान जी को दया लगी, पर जामवंती जी ने रोका है, अगर हम ना होते तो कौन रक्षा करता। तक त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षस का राम चरण रति निपुण।